वीकली फूड ड्राइव भी करते हैं और उसके अलावा जो है ना दस्तरखान वगैरह लगाते हैं और रोड्स पे जाके वीकली जो फूड है फूड बॉक्सेस स्पेशली हम बॉक्स तैयार करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यूनिवर्सिटी में हम पॉकेट मनी से कर रहे हैं तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत से ऐसे लोग दिए होंगे जिनके पास बहुत पैसे है बहुत अल्लाह ने नवाजा होगा तो करो यार इस तरह की चीजें लोगों की मदद करो। हमारे दस्तरखान पे अच्छे से अच्छा और गरीब से गरीब और तरह तरह के लोग आते हैं और उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है। दैट डजंट मीन कि कोई अगर आया तो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल। ऑन द स्पॉट में मैंने खाना सर्व किया ना और वो तो इस तरह गले लगाते हैं कि जैसे यार मैं उनके लिए पता नहीं क्या हूं और यही रियल हैप्पीनेस ये है। Hello and assalamu alaikum everybody. Let me welcome you all once again to Talk Shop with Sahih Chia. Well, aaj ka jo video hai na, it's very important because today we are trying to spread some awareness. Logon ko batana ja rahe hain ki acche kaam bhi karne chahiye. Well, whoever is watching, please watch the video till end. Time and introduce Usman. Usman Baba hai inka naam. Usman, assalam alaikum. Kya haal hai aapka? Waalaikum assalam. Sahih Shah sahab, thank you so much. Alhamdulillah. Aap kaise hain? Zabardast, zabardast. Usman, Usman, aap mujhe ye batao ke kya kaam karte ho? What do you do? मैं एक स्टूडेंट हूँ BScS का और उसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान आप बिजनेस करते हो और स्टूडेंट हो, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अपनी एज बताना चाहोगे? मेरी एज 23 इयर्स। 23, जबरदस्त, काफी यंग हो। वेल उस्मान, उसके साथ साथ अब हम आते हैं अपने जो इस टॉक शो के रियल टॉपिक है उस पे आते हैं। उस्मान मुझे बताओ, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब जो हमारी हर सारी आवाम को करना चाहिए। तो उस्मान, मैं उस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपने अपना व्हाट इज द नेम ऑफ इट, यूथ सोशल सर्विस कुछ है इस तरह करके, मुझे इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन करके बताओ क्या ये? यूथ सोशल एम्बेसडर के नाम से जो है ना ये हमने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है जिसपे हम सोशल एक्टिविटीज काफी ज्यादा करते हैं, जिसपे मेन जो है ना वो हमारा फूड ड्राइव होता है जिसमें हम वीकली फूड ड्राइव भी करते हैं और उसके अलावा जो है ना दस्तरखान वगैरह लगाते हैं और रोड्स पे जाके वीकली जो फूड है फूड बॉक्सेस स्पेशली हम बॉक्स तैयार करते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। तो ये क्या आप स्पेसिफिक लोगों को चूज करते हो या फिर आपके वही लोग हैं जिनको आप हमेशा देते हो? नो, ये हम रोड्स पे जब हम निकलते हैं ना स्पेशली तब ये होता है कि जो नीडी पर्सन होते हैं ना काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो रोड्स पे साइड्स पे बैठे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं लोग, और कुछ ऐसे लोग मतलब सड़क पे हमें ऐसे मिल जाते हैं रेगुलर रूटीन में, रोड्स पे काफी ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के पता चलता है कि यार पता नहीं उन्होंने खाना खाया हुआ कि नहीं खाया हुआ, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन तक पहुंचे। और उसके अलावा यह है कि जो दस्तरखान वाला सीन है वो हम जब दस्तरखान लगाते हैं उस पे कोई भी आके जो है ना दस्तरखान पे बैठ के वो खाना खा सकता है उसमें। मोस्टली जो है ना वो ये जो ठेला लगाते हैं, रेड़ियां लगाते हैं, फ्रूट सेल करते हैं, जो मेन रोड पे जो चल रही है ना वो लोग जो देखते हैं कि यहाँ पे दस्तरखान लगा हुआ है और अगर उन्हें भूख लगी हुई है तो वो बैठ के खाना खाते हैं। राइट, जबरदस्त। अच्छा उस्मान, ये आप सब कुछ अकेले करते हो या फिर क्या क्या सिस्टम है? नहीं, अकेले तो नहीं, जाहिर है ये वाला काम जो मैं कर रहा हूँ अकेले तो होता नहीं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो कि मेरी फैमिली की तरह ही है,
तो ये है कि अभी भी मौजूद है, मैंने उन्हें इनवाइट किया हुआ है स्पेशली इसी प्लीज उनको बुलाए प्लीज उनको बुलाए थैंक यू सो मच जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी आप लोग अपने इंट्रोडक्शन कराएं अपना नाम बताएं क्या करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर मेरा नाम अहमद आरिफ है और मैं उस्मान के साथ ही यूनिवर्सिटी में एडीबी में कर रहा हूं और साथ मतलब अपने फादर का बिजनेस लुक आफ्टर कर रहा हूं साथ में जबरदस्त माशाल्लाह एंड माय नेम इज उस्मान आरिफ और मैं बीएससीएस का स्टूडेंट हूं और अप्रोक्सीमेटली इट्स माय लास्ट सेमेस्टर तो उस्मान का फेलो हूं मैं तो हम तीनों साथ ही होते हैं वी काइंड ऑफ फैमिली एंड बेस्ट फ्रेंड्स जबरदस्त जबरदस्त अब आप मुझे ये बताओ आप लोग के ये जो आप लोग काम करते हो आप लोगों की ड्यूटीज क्या हैं कौन कौन क्या क्या करता है एग्जैक्टली बेसिकली जो अहमद या उस्मान हमें सुपरवाइज करता है इस सारे काम को क्योंकि इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर अंजाम देना एक इससे सीखे हमारा माशाल्लाह शहजादा भाई है बहुत से काम है जो वो अकेला करता है और मेरा इसमें काम ये है कि मैं बेसिकली वीडियोग्राफी करता हूँ अहमद इज आल्सो अ वॉलंटियर जो हमारे साथ हमारी मदद करता है इज वन ऑफ द मेन पर्सन इन आवर इन दिस प्रोजेक्ट मेरा मैं वीडियोग्राफी इसलिए करता हूँ और हम सब वीडियोग्राफी का इसमें इसलिए दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यार जो दुनिया और ये पाकिस्तान का बेसिकली लोग नेगेटिव नाम के लिए जानते हैं तो वीडियो बना के इसको सोशल मीडिया पर दिखाने का ये मकसद नहीं है कि वी आर शोइंग ऑफ इसका ये मतलब मकसद है कि दुनिया को दिखाएं यार कि आप लोग भी बाहर निकलो ताकि उनको मोटिवेट करें कि आप लोग भी बाहर निकलो और अल्लाह की राह पे सर्व करो ताकि अल्लाह ताला हमारी आखिरत को इससे भी ज्यादा अच्छा करे जो दुनिया में बुरे काम कर रहे हैं ताकि कम से कम हमारी आखिरत तो अच्छी जाए बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त ये बहुत अच्छा काम आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी ड्यूटी है इट्स ऑल्सो एज इफेक्टिव एज जिस तरह उस्मान भाई की है और अहमद भाई की है जिस तरह इट्स वेरी इफेक्टिव आप मुझे अहमद भाई आप बताओ आपकी क्या ड्यूटी है सर मेरी ड्यूटी है मतलब के शुरू से लेके एंड तक मतलब हमने खाना बनाने की तरफ जाना है उसके बाद बेसिकली हम ये करते हैं रोड्स पे कि मतलब कोई स्ट्रीट नहीं है रोड्स आपको पता है यहाँ पे कोई इतनी साफ सुथरी नहीं है जाके उनको पहले साफ करना होता है वहाँ पे उधर क्लीन अप सारा करना होता है फिर वहाँ पे चिटाइयाँ सब बैठने का मतलब अच्छा निज़ाम करना होता है तो वो सारा लुक आफ्टर करना होता है उसके बाद मतलब जो लोग आ रहे हैं उनको बिठाना है उनकी मैनेजमेंट करनी है वहाँ पे प्लेट्स और उसके बाद ग्लासेस वगैरह सब मैनेज करके फिर उनको खाना देना है ये नहीं कि कोई बदनज़मी हो सारा उधर एक नज़म रखना है वहाँ पे कि मतलब कोई मिस हैप वहाँ पे ना हो सारा वाइंड अप भी करना है right. सारे को सुपरवाइज करना है सारा देखना है टिल द एंड स्टार्ट से एंड तक सारा देखना है उसको वाइंड अप करके रोड की सफाई करके ताकि कोई ये ना कहे कि अच्छा काम करके जान चला गया सारा कुछ करके फिर उसे छोड़ना बिल्कुल बिल्कुल वही ना मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी जो आवाम है ना वो कोई बंदा अच्छा भी कर रहा होगा ना उसके अंदर भी कुछ गलत ढूंढेंगे बिल्कुल ऐसी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल जाए कोई छोटी सी चीज ऐसी मिल जाए जिसके आप पकड़ के उस बंदे का ना बड़ा गर्क कर देंगे वेल वही मैं कहना चाहूंगा कि आवाम जो है ना हमारी उसको बदलना बहुत जरूरी है वेल वो तो यू नो दुनिया में जो ऊपर से अल्लाह भी आके बोल देना इन्होंने फिर भी नहीं बदलना वेल वेल बट यू नो आप लोगों के जिस तरह आप लोग एफर्ट कर रहे हो ये छोटी छोटी जितनी आप लोगों की एफर्ट्स हैं इनको मिला के आप शुरू कर रहे हो कोई आपसे आज इंस्पायर होके बंदा शुरू करेगा बिकॉज मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी इतनी आवाम है हमारे इतने यंगस्टर्स हैं अब आप उस्मान भाई 23 के हैं आपकी उम्र भी यंग होगी अहमद भाई भी यंग होंगे जिस तरह आप लोग आप फ्रेंड्स हो हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं विच आर गोइंग इनटू बैड मटेरियल विच आर गोइंग इनटू ड्रग्स विच आर गोइंग इनटू यू नो गर्ल्स और ये चक्करों का है उनका वहां पे पैसे स्पेंड कर देंगे मगर कभी आके अल्लाह के राह पे कभी गरीबों के ऊपर नहीं स्पेंड करेंगे आप लोगों को क्या किसने इंस्पायर किया बिल्कुल ऐसी बात है शाह जी बात ये है कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना जो मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं जो मतलब रेगुलर रूटीन में मेरे कुछ दोस्त भी हैं ऐसे कि जिन्हें पता भी है डेली रेगुलर बेस पे मेरे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह देखते हैं इवन तो मतलब right. फिर भी जिसमें से हैं मैं ये नहीं कहता कि नहीं है बहुत से मेरे right. दोस्त ऐसे हैं जो मेरे स्टेटस देख के इंस्पायर भी होते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज को और इवन मुझे अक्सर ऐसा होता है कि मुझे खुद बहुत मतलब कोई भी इस चीज में मैंने ये सीन रखा हुआ कि यार पाबंद कोई भी नहीं है इस चीज का कि यार मुझे डोनेट करो मैं ये कर रहा हूँ मुझे डोनेट करो वो चीज नहीं है मतलब right. अगर मुझे कोई एक वीक में डोनेट करता है ना वो कोई मेरा पाबंद नहीं हो गया कि यार नेक्स्ट वीक भी तुम नहीं करना है वो चीज नहीं है right. लेकिन ये भी चीज है कि कुछ मेरे डोनर ऐसे भी हैं मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं स्पेशली ये दोनों हैं मैं खुद हूँ उसके अलावा और भी हैं
जो कि मुझे रेगुलर बेस पे जब मतलब हम इकट्ठे हुए हैं ना, हमने सोचा कि यार नेक्स्ट हमने ये करना है, और क्या उसका सीन आ रहा है, कि कितनी उसकी कास्ट आ रही है, वो हमने आपस में जो है ना शेयर करना है। तो जितने जितने हमारे पास होते हैं, हम मेन चीज ये है कि हम अपनी पॉकेट मनी से ना, यानी अपनी पॉकेट मनी से हम ये चीजें ये शेयर करके, तो फिर हम ये वाला जो है ना काम करते हैं, और मजा भी इसी चीज में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इकट्ठा होने का वक्त मिल जाता है। हर वीक हमने एक दिन रखा हुआ है जिसमें जो है ना वो सारे फ्रेंड्स जो है ना, जो जो मतलब इस पे मैंने ये क्लियरली मेंशन किया होता है कि अगर कोई फाइनेंशियली तौर पे हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, वो एज ए वॉलंटियर हमें ज्वाइन कर सकता है। वॉलंटियर, बिल्कुल जबरदस्त, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट किया। यू नो कोई कुछ जारी बात है, हर बंदा तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर नहीं सकता, बिल्कुल, बट हाँ आप एक एक हेल्प, यू नो आप अगर फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन दोबारा से मैं हाईलाइट करूंगा कि ये इंस्पायर किस तरह हुआ आप लोगों को, किस तरह आपने स्टार्ट किया, कौन कौन ऐसी शख्सियत थी आप देख के आपने कहा हाँ भाई मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। हमारी जो रेगुलर स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली में ये वाला काफी सीन होता है। आपको मैंने बताया कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना मोटरबाइक लेदर गारमेंट्स की ना एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मेरे वालिद साहब जो है ना वो मंथली एक दस्तरखान लगाते हैं जिसमें जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स को अक्सर जो है ना वो खाना खिलाया जाता है वो इसी चीज से। तो वो इस चीज से मैंने देखा कि अगर हम मतलब ये लोग तो फिर भी कमा रहे हैं, तो अगर हम इन्हें दे सकते हैं, तो जो लोग बाय रोड्स पे हमें डेली रूटीन में मिलते हैं नजर आते हैं, तो जो असल हकदार है, बिल्कुल उसामा की बात, क्योंकि मतलब असल हकदार है। ऐसे ही बैठे हमने दोस्तों में जो है ना मैंने वो शेयर किया कि यार ये सीन है, तो क्यों ना हम मतलब बाहर निकल के क्यों ना करें। जो लोग हमें नजर आते हैं, हम लोगों को लोग आगे पैसे मांगते हैं जी खाना खाना है, एक उन्हें वो ये चीज तो अल्लाह के नाम पे यार भूख लगी हुई है खाना खाना है, आप मुझे वो दे दो। वो कुछ लोगों की कुछ ऐसी बातें, कुछ रेगुलर रूटीन में हमें कुछ ऐसे फेस करने को मिलता है, काफी लोग देखते हैं, तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो है ना ये हमने ये स्टार्ट किया कि यार हम ये स्टार्ट करते हैं, क्यों ना हम पैसे देने के बजाय उन्हें उनका पेट क्यों ना भर दिया जाए। और मोस्टली ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिन लोगों ने पेशा बनाया हुआ है, और ये पाकिस्तान में ये चीज बहुत कॉमन है कि लोग जो है ना वो पैसे आगे लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो असल हकदार है उनका भी हक मार देते हैं। और हमने यही सोचा कि क्यों ना हम उनका पेट ही भर दें। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये बहुत बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत ज्यादा अच्छी सोच है। इसी बात पे मैं अहमद भाई से आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरह के आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाते हो, आपने मेंशन किया दस्तरखान का, ये आप लोग क्या मंथली करते हो, वीकली करते हो, डेली करते हो, क्या हिसाब है? नहीं एग्जैक्टली बेसिकली हमने ना हर वीक में एक डे रखा हुआ थर्सडे बेसिकली के मतलब हमने थर्सडे को वो दस्तरखान लाजमी करना होता है कि वो जो एक जो रूटीन है जो लोगों को भी वहाँ का पता है और यहाँ पे मतलब यहाँ के सिटीजन है उनको भी पता है कि ये वहाँ पे दस्तरखान एग्जैक्ट लगना है इस डेट को, इस दिन को, इस टाइम को। तो बेसिकली चार वो मतलब एक वीक होता है, उसके बाद जो हम बॉक्सेस करते हैं ना मतलब जो हम जाके लोगों को ड्राइव करते हैं, फूड ड्राइव जो हमारी करते हैं, वो हमारा बेसिक सिस्टम प्लान होता है कि मतलब हम जब इकट्ठे हुए हैं, कुछ डोनर हमारे पास हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी हो जाता है, तो हम करते हैं हम फिर नेक्स्ट वो चीज़ करें। अभी बेसिकली लास्ट बार हमने एक वो किया था, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लॉथ की थी, तो बेसिकली इस तरह साथ मिल गई है, चल गई है हमारे साथ। और मैं सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लास्ट कुछ डेज पहले हमारे उस्मान बाबा हमारी जान की बर्थडे थी, और हमने उस बर्थडे को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हैप्पी बर्थडे हमने एक बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया है कि शायद किसी ने नहीं की होगी। हमने बजाय इसको अंडे मारने के, बजाय कोई शुगर करने के, बजाय केक मारने के, हमने एक फूड ड्राइव करने के एग्जैक्टली उस्मान की बर्थडे पे भी हमने एक फूड ड्राइव की थी जिसमें हमने सियालकोट के डिफरेंट एरियाज में बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसकी भी हमने वीडियो बना के पोस्ट की थी ताकि लोगों को मैसेज मिले कि हाउ टू सेलिब्रेट अ वीडियो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन यू नो द फजूल थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे एक बर्थडे हो, किस तरह अगर, क्योंकि मेन चीज़ है कि अल्लाह को राजी करना है, और अगर एक चीज़ में आप खुश हो तो दैट्स इट। तो हमने इसकी बर्थडे को एक इस तरीके से सर अंजाम दिया था कि हमारा दिन इतना अच्छा गुजरा और दिल को इतना सुकून मिला था कि यार पता लगा कि बर्थडे सेलिब्रेट हुई है।
बाद में कोक की बोतल जबरदस्त यार जबरदस्त यू आर डिलीवरिंग अ ग्रेट मैसेज इतना ग्रेट मैसेज डिलीवर कर रहे हो कि बर्थडे पे हम लोग ये बहुत आपने जबरदस्त बात की कि बर्थडे पे हम लोग मुंह पे केक फेंकना अंडे फेंकना टमाटर फेंकना जो भी रीते हमने उठाई हुई है ना फूड को जाया करना और हमारे वो भी हमारी बहुत सारी आवाम है जो जब खाने की प्लेट पकड़ती है खाना डालती है उसमें आधा खाना छोड़ लेती है जो कि कूड़े में जाता है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं उसामा मुझे ये बात बताएं आप कि आपको इंस्पायर कौन करता है ये इंस्पायरेशन क्या है। बेसिकली इंस्पिरेशन ये है कि हमारे पेरेंट्स और हमारे फैमिलीज में ऐसे होता है कि जैसे मोहल्लेदारों को औरतों को या हमारे पेरेंट्स बेसिकली जैसे उस्मान ने बताया या जैसे उस्मान की फैमिली में और अहमद की फैमिली में या हमारी फैमिली में ऐसे होता है कि लोगों को इकट्ठा करके खाना खिलाया जाता है अल्लाह को खुश करने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को दिया जाए जो इसके रियल हकदार हैं। हम लोग तो चलो खा लेंगे लेकिन कुछ देयर आर सम पीपल आउट देयर हु कैन नॉट बाय एनीथिंग सो वी हैव टू हेल्प देम आउट। हमें उनको देना चाहिए कि जो इस चीज़ के असल हकदार हैं जो अपनी जेब से कुछ खरीद नहीं सकते और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल 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 एकदम आपने सही बात की है। अब मुझे उस्मान आप मुझे ये बताओ कि ये जो सारा आप जो फूड ड्राइव करते हो और दस्तरखान करते हो खर्चा क्या आता है इसके ऊपर? ब्रदर इसका खर्चा मेरा जो वीकली खर्चा आ रहा है वो 700 से 800 तक 8000 तक आ रहा है सॉरी। तो मतलब मंथली मेरा 35 to 40,000 तक आ रहा है। ये बात बताओ कि जेब में कितना जाता है? अल्लाह माफ करे ये वाले पैसे बहुत बुरी तरह निकलते हैं। अल्लाह पाक इस तरफ ये सोच मत लाए ना जेब में से जाते ही है आता नहीं है। आप अगर आता भी है तो वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है। रिजक में इजाफा सॉरी मैंने आपको कट किया 7 to 8,000 लगते हैं भाई जी 7 to 8,000 ये वीकली खर्चा आपका। बिल्कुल वीकली खर्चा जबरदस्त। तो मतलब के मंथली ये लगभग बन जाता है 28 मतलब के ठीक है मतलब के इतना ज्यादा खर्चा नहीं है मतलब के लोग अगर करना चाहें सपोर्ट करना चाहें तो दे कैन अफोर्ड इट। इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड के 2-3 million खर्चा बन रहा है भाई नहीं दे सकते है ना। तो ये बिल्कुल जबरदस्त बात है। मैं अहमद भाई से पूछना चाहूंगा कि आप जो दस्तरखान करते हैं ठीक है आप जारी बात है आपका बड़ा मेन रोल होता है बिकॉज आप ऐसे जिस तरह आप लोगों ने एक्सप्लेन किया कि आप लोग को सब कुछ करना पड़ता है दस्तरखान जब लगाने जाते हो तो आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है उसके बाद दस्तरखान लगाया जाता है उसको हैंडल किया जाता है मेक श्योर एवरीथिंग गोज राइट उसके बाद निकलने के बाद आपको उसको क्लीन करके जाना पड़ता ताकि लोग सवाल ना पूछें। तो अहमद भाई आप मुझे ये बताओ कि दस्तरखान का क्या हिसाब है इस पे कितने पे स्पेंडिंग वगैरह होती है और ये कब होता है कितना लाइक एवरी मंथ करते हो एवरी वीक करते हो क्या हिसाब है इसका? मतलब हम इसको हर वीक करते हैं दस्तरखान तो जो हमारा बेसिकली हमने स्टार्टअप किया था वो दस्तरखान से किया था। मंथ में हम 4 weeks करते हैं एंड द डे इज थर्सडे के थर्सडे को हमने ये मस्त दस्तरखान करना है। वो एक जगह स्पेसिफिक है जहाँ पे हम करते हैं वहाँ के लोगों को भी पता है और ऐसे मैसेज और वो कॉन्वे आगे लोगों को भी करते हैं कि वहाँ पे यार थर्सडे को दस्तरखान लगता है कि वहाँ पे मतलब अब हम यूनिवर्सिटी के बॉयज हैं सारे जो वहाँ पे होते हैं जो हमारे साथ और कोऑर्डिनेट करते हैं खाना वहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद शुरू से लेके एंड तक लोगों के उठने से बैठने तक सारा हमने वहाँ पे लुक आफ्टर करना होता है। राइट राइट जबरदस्त। तो इसी बात पे मैं सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अहमद भाई ने ये उस्मान भाई से पूछना चाहूंगा। उस्मान भाई आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने डोनेट करना है किसी ने आपको सपोर्ट करना है इस अच्छे अल्लाह के काम के तो किस तरह आपसे रابطہ किया जाए क्या प्रोसीजर है कोई बैंक का जरिया है कि आपको पैसे डाल दिए जाएं किस तरह? बिकॉज़ आई एम श्योर लॉट ऑफ व्यूअर्स हु मस्ट बी वाचिंग उनका दिल चाहेगा कि डोनेट किया करें तो किस तरह आपको अप्रोच किया जाए?
हर अगर तो मैं बिलोंग करता हूँ सियालकोट से, और मेन जो हम ये काम कर रहे हैं ये फूड ड्राइव्स वगैरह जो चल रही हैं हमारी, ये सियालकोट में ज्यादा चल रही हूँ क्योंकि हम सियालकोट से हैं और सियालकोट में सीन करता है। जो ज्यादातर जो सियालकोट के लोग हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि वो पहले दस्तरखान पे आते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं, वो हमें देखते हैं कि यार ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, फिर उसके बाद जो उनके माइंड में क्वेश्चनिंग होती है वो क्वेश्चन वगैरह करते हैं, हम उनको आंसर करते हैं और वो फिर उसके बाद बाय हैंड हमें डोनेट कर देता है। उसके अलावा ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं फॉरेन में जो कि मुझे डोनेशन भेजते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए भी मुझे भेज देते हैं, बैंक अकाउंट में भी मुझे भेज देते हैं, और ये है कि इजी पैसे का अकाउंट जो पाकिस्तान में है अक्सर अदर सिटीज से जो मेरे साथ रब्ता करते हैं वो इजी पैसा के थ्रू भी भेज देते हैं, और डिफरेंट वेज है। मतलब उस्मान इज इट ओके कि मैं आपका नंबर दे दूं लोगों को? हाँ जबरदस्त, ये तो सबसे बेहतर है कि मेरे साथ लोग रब्ता कर लें उसके बाद मतलब उनके साथ डिस्कस करके। नीचे मैंने नंबर लिखा हुआ है गाइस टू एवरीवन, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आप लोग मस्ट इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो, तंग नहीं करना ठीक है, मैसेज कॉल करो, ये नहीं कि कॉल करके सवाल जो आप शुरू कर दो भाई अच्छा नहीं, नहीं, कैसे नो इशू, अच्छा फिर भाई करा देते हो, नो इशू मुझे अच्छा, कोई भी सवाल करता है। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सवाल, भाई मेरी बात सुनो, सवाल करना एक और चीज है, क्रिटिसाइज करना डिफरेंट चीज है। बिल्कुल ये चीज है। नहीं ठीक है, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, जो भी कॉन्टर करेगा समझदार आदमी जो डोनेट करना चाहेगा वो कॉल करेगा, वेल डेफिनेटली उस खौफ तूफान है बिजलियों का है डर। इसके अलावा मैं अब एंड पे मैं आप लोगों को तीनों को 30-30 सेकंड दूंगा ठीक है, आप लोग 30-30 सेकंड में कुछ भी कहना चाहे ऑडियंस को, ऑडियंस इज योर्स, एंड कुछ बोलना चाहे प्लीज गो अहेड। सबसे पहले अहमद भाई, थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, ना कि हम चाहते हैं कि हमारा नाम बने, लोग हमें जाने। बेसिकली चीज है कि हम ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज है, अब मजहब है, हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, सबसे थैंक यू सो मच टू अल्लाह। लेकिन उसके बाद अगर हम किसी की मदद करते हैं ना तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। इट डजंट मैटर कि आप सिर्फ इस्लाम में करो या मुसलमान हो, आप किसी भी रिलीजन में रह के आप लोगों की मदद कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सफ़ेद पोश होते हैं, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनको कुछ मतलब मांगते नहीं है लोगों के आगे, हाथ नहीं फैलाते, तो आप उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। अल्लाह ने आपको अगर वसीला बनाया तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, लोगों के पास जाओ। डजंट मैटर कि आप अमीर हो तो ये चीज़ें हो सकती है। अब हम एक स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में हैं, हम पॉकेट मनी से कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत से ऐसे लोग दिए होंगे जिनके पास बहुत पैसे है, बहुत अल्लाह ने नवाजा होगा, तो करो यार इस तरह की चीज़ें, लोगों की मदद करो। हम इधर आए हैं तो कोई मकसद से आए हैं इस दुनिया में, तो किसी की अगर मदद हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है। हम कर रहे हैं तो यार आप भी कर सकते हो, हमें दुआ में याद रखो, अल्लाह हमें इंशाल्लाह इसकी तौफीक दे और इससे आगे भी इंशाल्लाह हम करेंगे। आमीन आमीन। जबरदस्त जबरदस्त। अब इसी बात पे उसामा भाई आप कुछ 30 सेकंड में बोले। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी द ऑनर। बेसिकली मैं अपनी तरफ से अगर बोलूँ तो हमारा ये मकसद है कि हम लोगों को मोटिवेट करें, ना कि शो ऑफ, जैसे अहमद ने कहा। और दूसरी चीज, देयर इज अ बिग मैसेज इन द वर्ल्ड दैट गेटिंग स्प्रेड, देयर इज से नो टू रेसिज्म। और जैसे हमारा दीन में मैसेज आता है कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर फुकियत हासिल नहीं, तो इस तरह हमारे दसरखान पे अच्छे से अच्छा और गरीब से गरीब और तरह तरह के लोग आते हैं और उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है। दैट डजंट मीन कि कोई अगर आया तो उसको स्पेशल प्रोटोकॉल, नो, उसको अच्छी तरह एक इंसानियत के दायरे में रह के ट्रीट किया जाता है, ताकि यार लोगों को मैसेज मिले यार वी आर डूइंग अ गुड जॉब, और ताकि लोगों को पॉजिटिव मैसेज मिले। एक्चुअली इस वीडियो से ये ना हो गए यार ये शो ऑफ कर रहे हैं, नेकी करके दरिया में डालने वाला सीन, जैसे लोग अक्सर हमें क्रिटिसाइज करते हैं यार ये दुनिया सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे डालने का मकसद ये है कि अगर हमारी तरफ से देख के कोई अगर स्टार्ट कर रहा है तो इट मीन्स वी आर गेटिंग सक्सेस। अल्लाह ताला भी ये कहता ना कि आप लोग मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं इट्स काइंड ऑफ कि अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह ताला हमें अपने गले से लगा लेगा। तो यही बात है कि अगर हमारी तरफ से देख के हमारे दोस्तों ने कहीं ना स्टार्ट किया है तो इट मींस वी आर गेटिंग सक्सेस, और अगर अल्लाह ताला राजी है तो फिर सब राजी है, आपकी आखिरत ठीक हो जाएगी इस काम से अगर हम ये कर रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ
रनिंग बिहाइंड द नेगेटिविटी, आप सब ये काम करो, अपनी दौलत, अपने जो आजकल के बच्चे ड्रग्स और इधर अपना सारा पैसा ज़ाया करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अल्लाह की राह में सर्व करो ताकि आपकी आखिरत संवरे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज डिलीवर किया। अब ऑडियंस सोच रही होगी कि मैं उस्मान भाई को भी यही क्वेश्चन करूंगा कि 30 सेकंड है तो जवाब दिया जाए। वेल, मैं थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को ट्विस्ट करूंगा यहाँ पे। उस्मान भाई, क्योंकि आप लीडर हो और आप दिल हो इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट, हार्ट टचिंग मोमेंट हो जो यू नो यू फेल्ट लाइक यार यू नो आई अर्नड एवरीथिंग इन माय लाइफ बाय सीइंग दिस मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट था? बिल्कुल शाह जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि मैं लीडर कोई नहीं हूँ, ये सिर्फ इन सब भाइयों की वजह से है कि ये मेरे साथ होते हैं तो मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ, अदरवाइज यार ये तो मैं अकेला तो आप डाउन टू अर्थ हैं इसलिए बोल रहे हैं। अकेला तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये अगर ना साथ हो तो मेरी तो मैं कभी भी ना कर सकूं। और उसके बाद ये है कि कोई मेमोरेबल थिंग ये है कि यार एक एक सेकंड, दस्तरखान का सेकंड, मिनट्स और वहाँ के लोग और जो ये जो मैं फूड ड्राइव करता हूँ इसमें जो एक एक सेकंड है वो मेमोरेबल है, मतलब उन लोगों के दिल से जो दुआ निकलती है वो वाकई पता चलता है कि यार वो वाकई दिल से दे रहे हैं। बहुत से लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनको बंदा मिलता है तो उनके चेहरे पे एक फेक स्माइल होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम फेक पीपल कह सकते हैं, मतलब इन फ्रंट ऑफ फेस कुछ हो रहा है और बैकग्राउंड पे कुछ हो रहा है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि मतलब अगर ऑन द स्पॉट उन्हें मैंने खाना सर्व किया ना और वो तो इस तरह गले लगाते हैं कि जैसे यार मैं उनके लिए पता नहीं क्या हूँ, और यही रियल हैप्पीनेस ये है, असल खुशी ये है। और इवन बाद में अक्सर ऐसे होता है कि कुछ बुजुर्ग जो हैं वो मुझे अक्सर किसी जगह पे दोबारा बाहर मिल गए हैं ना, तो जनाब उन्होंने मुझे मिलके मुझे गले लगा के तो मुझे फिर तो आदे नहीं है, इवन मैं उस वक्त तो उन्हें खाना नहीं दे रहा, ठीक है। और उसके साथ साथ यह है कि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, अगर किसी जगह मुझे मिल गए हैं तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते हैं, भाई ये वो बच्चा है जो कि ये काम कर रहा है, वो जो खुशी है ना वो नहीं मिल सकती, वो नहीं कहीं से। आप सही बात कर रहे हो, बिल्कुल वो एक सही बात कर रहे हो। इसी बात पे ना भाई उस्मान भाई, मैं यही ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, यू नो वो जो इत्मीनान आपके अंदर होता है, वो जो उस टाइम पे मोमेंट होता है कि आप लोगों की शक्ल, लोग आपकी शक्ल पे देख रहे हैं और इट्स यू जो उनको दे रहा है, वो जो फीलिंग है ना, वो दुनिया में कोई फीलिंग जो है ना वो चेंज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। जबरदस्त एक आपने मैसेज डिलीवर किया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, यू गाइज आर लवली पर्सनैलिटीज। अब मुझे एंड में एक सवाल मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि ये कैसे कर लेते हो, इतने प्योर हार्ट आप लोगों के कैसे हैं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह एंड आवर पेरेंट्स, कि उन्होंने हमारी इस तरह की परवरिश की, और ये सिर्फ दुआएं हैं, सिर्फ दुआएं ब्रदर, ये सिर्फ दुआएं हैं, दुआओं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना हमें नहीं पता कि ये कैसे मैनेज होता है और किस तरह हो जाता है, नहीं पता, सिर्फ अल्लाह पाक की मर्जी है, अल्लाह पाक ने हमें वसीला बनाया हुआ है, हम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करे, बिल्कुल सही बात करे। तो इसी बात पे मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये मैं ये कहना चाहूंगा एंड पे कि मैं ये शो नहीं मारना चाहूंगा ऑडियंस के सामने, बट मैं ये कहना चाहूंगा जो अगले मंथ का दस्तरखान होगा मैं उसको स्पॉन्सर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। उसके हिसाब से मैं स्पॉन्सर करने के बाद मैं ये शो नहीं मारना चाह रहा कि मेरे पास बड़ा पैसा है तो मैं यू नो ये पैसे ये लो पकड़ो ये कर लो वो कर लो, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा ऑडियंस को कि अगर मैं दे सकता हूँ तो आप लोग भी दे सकते हो। बिल्कुल ऐसी बात, अगर मैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर है ना वो हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान में हो बाहर हो हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है, बट पैसे जिस तरह आप निकालोगे किसी को दोगे आपके पैसों में इजाफा ही होगा। बिल्कुल वी स्ट्रांगली बिलीव ऑन दैट। तो इसी बात पे मैं अगला दस्तरखान स्पॉन्सर करना चाहूंगा इस बिहाफ पे कि लोग जो है इनकरेज हों और लोगों को लगे हाँ भाई हमें भी देना चाहिए, एंड इट्स नॉट समथिंग फेक के पैसा जाएगा तो लड़कों के जेबों में चला जाएगा, टोटली ट्रस्टवर्दी पीपल, सो दिल खोल के डोनेट करो आप लोग भी, इसमें कभी भी हिचकिचाहट नहीं करनी। वेल गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टू जॉइन विद मी इन दिस टॉक शो, और दूसरा थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अस्सलाम वालेकुम।
तो इस तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा स्पॉन्सर करो, पैसे थोड़े से दे दोगे ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 कमाते हो उसमें से 500 भी दे दोगे या 200 भी दे दोगे ना, वो फिर भी तिनका कुछ तिनका करके ना समुंदर बन जाएगा, वो कुछ तो होगा। तो प्लीज प्लीज दिल खोल के बांटो, दिल खोल के पैसे दो, क्योंकि ये सब गरीब लोगों में जा रहा है। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई भूखे पेट ना सोए, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। आप लोग हो जो इनको पैसे भेज के ये काम करा सकते हो, बिकॉज हमारी फैसिलिटीज में ये चीज़ नहीं है। हम बाहर बैठ के या फिर पाकिस्तान में होके भी हम ये नहीं कर सकते। इनके पास इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया है, काम शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो उसको। ठीक है गाइज, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को, और मस्ट सपोर्ट देम, ऑलराइट। और टॉक शो को सपोर्ट करते रहो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द को अच्छा बंदा अच्छे बंदे लेके आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, इसको सपोर्ट करते रहो, शेयर करोगे तो और लोग देखेंगे और लोग से ज़्यादा डोनेशन होगी। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, और टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, और टॉक शो फिर से। अच्छा।